असलम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माशाल्लाह से पंद्रह रोज़े गुजर चुके हैं रमज़ान मुबारक अब बहुत जल्दी जल्दी जो है वो गुज़र जाएगा तो ईद की भी माशा से तैयारियाँ साथ, साथ ही चल रही हैं और मैंने सोचा कि मैं भी ईद की तैयारीयों में जो है ना अपना हिस्सा डाल रही हूँ क्योंकि ईद हमने भेजनी भी है जैसा कि मैंने शायद प्रीवियस ब्लॉग में बताया था या शायद मैंने इसी के सेकंड पार्ट में बताया है भाभी के लिए जो आ, भेजनी है ईद क्योंकि ईद के फ़ौर बाद जो है ना हमारा प्लान है कि हम शादी कर लें लेकिन उनके ईद आ, आ रही है उनके लिए पहली तो हमने सोचा तो उनको थोड़ा स्पेशल फ़ील कराया जाए उनके लिए ईद भेजी जाए तो यहाँ पर जो है ना मैं बहुत ही खूबसूरत से मुझे तीन चार ड्रेसेस पसंद आए हैं तो मैं सोच रही थी कि इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो फिर ख़रीद लिया जाए मैंने भाई को भी पिक्स वगैरह भेजी थी कि जो पसंद करना है कलर फिर तुम पसंद कर लो तो आ, मैं पहले जो है ना काफ़ी जगह पर घूम चुकी हूँ काफ़ी सारे ब्रांड्स पर देख चुका कि मुझे कहाँ कहाँ से कौन सा जो है ना वो पसंद आता है तो यहाँ पर जो है ना फिर आखिरकार जो है ना वो खाडी पर आकर पसंद आए थे दो तीन ड्रेसेस मैं सारे घूम फिर कर आई कि आई थी मैं पहले ने सोचा था कि चलो मैं अच्छे से ड्रेस ही पसंद कर लेती हूँ उसके बाद जो है ना मैं व्लाग बना लूँगी नहीं तो इस तरह साथ साथ जो है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो जाती है ना तो चीज़ अच्छे से ली जाती है फिर वो व्लाग में भी मेरा तो इतना ध्यान नहीं जाता तो यहाँ पर जो हैं दो से तीन ड्रेसेस थे जो अम्मी को भी पसंद आ गए थे और मुझे भी वो ड्रेस अच्छे लग रहे थे तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से फिर ख़रीद लिए जाए वैसे ओरिएंट वग़ैरह पर, पर जो है वो ओरिएंट हो गया लाइमलाइट लाइट यहाँ पर भी अच्छी कलेक्शन है लेकिन जो हमेशा ही खाडी पे आके पसंद आती है ना रीज़नेबल भी होती है और उसके अलावा जो है वो डिज़ाइनिंग भी कमाल की कलर्स भी तो एक अच्छा जो है ना या तो ऐसा कभी होता है कि काफ़ी जगह से ड्रेस पसंद आ जाता है दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा होता या दुपट्टा पसंद आ जाता है ट्राउज़र का स्टफ़ नहीं पसंद आता तो ऐसा सारा जो है ना वो मिक्सर चल रहा होता है तो यहाँ से माशाल्लाह पसंद आ चुके हैं तो वो तो मैं ले लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं लास्ट पे आपको फिर दिखाती थी कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस अपने लिए भी लिए हैं बाकी घर वालों के लिए भी और भाभी के लिए भी वो सारा जो है ना अब आपको मैं एंड पे सारा दिखाऊँगी तो कंप्लीट वीडियो को देखेगा चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहे तो अब जो है मैं आपको घर जाकर कर पहुँच कर तो आपको सारे तफसील के साथ एक एक चीज जो है ना वो ड्रेस दिखाती हूँ यहाँ पर तो सारी कलर बड़ा कल खूबसूरत लग रहे थे गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कुछ जो जो चीज़ें पसंद आ रही थी कपड़े वगैरह वो मैं लेकर आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए थे कौन कौन से ड्रेसेस हैं ईद के लिए और जो ईद हमने भेजनी है आ, अपनी होने वाली भाभी को उनके लिए भी कुछ और कुछ अपने लिए लिए हैं और अब मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ जो है ना वो दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है ना मैं लेकर आई हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओपन है वी ये वाला देख लेते हैं ये सफ़ायर का ड्रेस है ये अम्मी ने अपने लिए पसंद किया था जो उस जिसको जो है ना वो कटिंग शटिंग होकर तो वो अब स्टिचिंग के लिए गया मीन्स के स्टिचिंग के लिए गया हुआ है या मेरे पास उसका दुपट्टा है शर्ट और जो है ना वो कुछ इस तरह की है ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसकी शर्ट आएगी और लाइट सा कलर लिया है बिल्कुल और सिंपल इसके साथ ट्राउज़र आएगा लेकिन दुपट्टा इसका जो है ना काफ़ी प्यारा सा है ये सफ़ायर का है और बड़े खूबसूरत सा सॉफ्ट से अम्मी को सॉफ्ट स्टफ़ पसंद होता है लॉन पसंद होती है स्विक्स वगैरह जो ना वो स्विक जो भी वो स्टाफ अम्मी को पसंद नहीं आता तो उन्होंने अपने लिए ना ये सॉफ़्ट पसंद किया था तो ये है जी अम्मी ने लिया था अपने लिए इसको हम कर देते हैं साइड पर और फिर ये मैं बाद में दिखाती हूँ इस शॉपर में देख लेते हैं कि इसमें क्या है आजकल वैसे ना पता नहीं क्या ट्रेंड चला हुआ है कि आप किसी भी ब्रांड पे जाओ उनसे शॉपिंग वगैरह करो तो वो जो है आ, आ, फिर आपको बोलते हैं अलग से कि बैग आपने परचेज़ करना है नहीं बंदा पूछे आपसे दस बारह हज़ार का कोई चीज़ ले रहा है कोई कपड़े वगैरह ले रहा है तो आप उसको किसी शॉपिंग बैग में नहीं डाल के दोगे आप उसको वैसे ही हाथ में पकड़ा दोगे पर मुझे तो बड़ी बड़ा गुस्सा आया इस बात पे तो ये अच्छा अच्छा ये जो है ना ये एक ड्रेस लिया है ये कॉटन का है ये भी बड़ा प्यारा सा कलर है सॉफ्ट सा ये अबू के लिए लिया है और ये पता नहीं कौन सी कलेक्शन है लेकिन ये बड़ा ही सॉफ्ट सा है बड़ा मुझे कलर भी नाइस लगा था तो फिर ये हमने ले लिया तो ये हो गए दो शू उसको शॉपर नहीं लेते हैं क्योंकि ये अब जो है ना टेलर के पास जाएगा तो जाओ। अच्छा ये भी हो गया अम्मी का और अबू का तो यहाँ पर जो है ना मैंने आ, ये बिन सईद के हैं ये एक शॉप मिली थी जहाँ से जो है ना ये सारे उनके पास ब्रांड्स के होते हैं मीन्स के वो कम प्राइस में देते हैं पता नहीं अब शायद वो आ, आउटलेट में लेते हैं या कैसे भी लेकिन ये उनके पास है औरिजिनल ब्रांड है लेकिन ये आपको थोड़े से आ, तो रिटेल प्राइस से कम कीमत में थोड़े मिल जाते हैं लेकिन ये सेम टू सेम वही चीज़ होती है ये मुझे एक बड़ा प्यारा सा स्टफ़ लगा था कलर इसका तरह से मुझे इसका अट्रैक्ट किया था क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना अपनी सिस्टर के लिए भेजे थे कपड़े उधर दुबई में तो मुझे ना खाडी से ऐसे कलर में एक शर्ट मिली थी तो मैंने सेम कलर में उसके लिए लेके भेजी थी और फिर जब आ, मैं मीम्स के घर पार्सल आया था तो मुझे जो है ना वो बड़ा पसंद था तो मैं सोच रही थी कि अपने लिए भी ऑर्डर करूँगी लेकिन फिर कर नहीं सकी लेकिन ये देखें कि ये अब मुझे जो है ना यहाँ से मिल गया ये बड़े प्यारे ये सबीन का है और ये वाला जो है ना ये बिन सितद का है। ये बड़ा सॉफ्ट स्टॉफ इसके साथ मैं वाइट कैपरी बनवा लूँगी एक एक मेरे पास पड़ी भी हुई है अगर वो अच्छी लगी तो वो पहन लूँगी अदरवाइज़ मैं नई ले लूँगी और दुपट्टा भी हम अपनी मर्जी का हम किसी भी कलर का इसके साथ मैच करके पहन सकते हैं और अच्छा इसके बाद आता है ये वाला सूट ये भी जो है ना ये वैसे ऑल ओवर में था मैंने इसको सिर्फ शर्ट में लिया वो आप आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हैं तो वो कोई मसला नहीं होता वो कर देते हैं ये वाला जो ड्रेस है ना ये भी मैंने ये ऑल ओवर में ही लिया है ये ये ऑल ओवर ड्रेस है ये कम्प्लीट ऑल ओवर इसका भी स्टफ़ जो है ना वो बड़ा प्यारा है ये लोग ये आप देख सकते हैं ये बड़ा सॉफ्ट सा स्टफ़ है और ये ऑल ओवर है एक मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं इसका ऑल ओवर ही ड्रेस बना लूँ या फिर जो है ना मैं इसकी शर्ट बना कर तो इसके साथ मैंने फिर ब्लैक भी ले लिया था कैपरी का कपड़ा या मैं ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ बना लूँ या फिर जो है मैं ऑल ओवर इसी का बना लूँ ये कैमरे को पता नहीं क्या होगा कलर बड़ा फँ हाँ, अब जरा कलर्स ठीक आ रहे हैं तो ये जो मैंने है ना फिर दो अपने लिए लिए हैं एक ये दुपट्टा हाँ यम्मी का दुपट्टा है लाइम लाइट से उन्होंने लिया था ये वैसे ही पड़ा हुआ था इधर तो ये इसके साथ मुझे लग रहा है कि शायद चल जाएगा ना भी चला तो मैं कोई और लेके तो उनके साथ जो है ना मैं लगाऊंगी ना पूरे दुपट्टे पे चारों तरफ जो है ना वो लेस लगवा लूँगी बड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा तो ये हो गए कुछ ये वाले ड्रेसेस मेरे जो अपने लिए मैंने लिए हैं इसमें हाँ जी इसमें एक और ड्रेस है ये शनाया का ड्रेस है शनाया ब्रांड शनाया ड्रामे में नाम भी था सजा का तो मैं इसको ये भी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कितना है पोस्टर सा ये इस तरह मैं आपको खोल के बल्कि दिखाती हूँ ऐसे तो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं नजर आएगा एक सेकंड मैं इसको ओपन कर लूँ जी तो ये मैंने ओपन कर लिया है ये बड़ा प्यारा सा सूट है आ, कलर पहली बार ही मैंने ये ख़रीदा एक मैंने बस पहले बहुत पहले एक सूट होता था इस कलर में लेकिन वो आ, मेरी बहन ने मुझे दिया था वो मैंने खुद नहीं ख़रीदा था लेकिन वो जब भी मैं पहनती थी, थी वो भी सेम कॉम्बिनेशन में था ब्लैक और इसी आरसी पिंक से कलर में लेकिन बड़ा प्यारा सा बड़ा प्यारा लगता था फिर मैंने जो है ना वो पता नहीं मेरा किधर चला गया अम्मी ने शायद दे दिया किसी को तो ये जो है ना ये वैसे ही लिया है ये जिसको भी पसंद आएगा वो स्टिच करवा लेगा इसके ब्लैक दुपट्टा है और इसका शर्ट और जो है ना वो ट्राउज़र वो सेम कलर में है तो यहाँ पर जी ये एस पी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई ये ऐसे ही है ड्रेस बड़ा खूबसूरत है ये इसका गला है आएगा और ये थोड़ा ऐसे दामन पे आ जाएगा ऐसे बड़ा प्यारा से बनेगा बैक साइड इसकी बैक साइड पे बस जो है ना लास्ट पे बॉर्डर बना हुआ है ये देखें ये बस लास्ट पे बॉर्डर बना हुआ है लास्ट शनाया का और बाज़ू जो हैं बाज़ुओं पे भी बिल्कुल जिस तरह वो पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं लास्ट पे है इस तरह फ्लावर से बाकी मैं जो है ना कोई लेस वगैरह लेके तो उसको जो है ना डिज़ाइनिंग करके खूबसूरत से बना लूँगी इन्होंने वैसे दावन पे भी जो है ना कुछ डिज़ाइनिंग की हुई है तो बना लूँगी बेसिकली मुझे सिर्फ़ इसका जो है ना वो दुपट्टा ज़्यादा पसंद आया था तो दुपट्टे की वजह से मैंने इसको फिर ख़रीदा था, था ये है जिसके साथ ट्राउज़र इसका सारा प्लेन ही है इस पर भी डिज़ाइनिंग करवा लेंगे ये बारी आती है इस खूबसूरत दुपट्टे की ये मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं एक मिनट इसको खोल लूँ ये देखे बड़े खूबसूरत ये इसका दुपट्टा है आए जो है ना वो लेबर लगी हुई है और बहुत उनका शोर होता है सारा दिन बस ऐसी आवाज़ें आती रहती है मेरी वीडियो में भी ऐसी ही बस आवाज़ आ रही है वॉइस ओवर करूँ तब भी मसला होता है इस तरह रिकॉर्ड करूँ तब भी जो उनकी आवाज़ जो है ना फिर आती रहती है तो फिर अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा जो वॉइस ओवर करने के लिए <laughs> कोने ढूंढती रहती हूँ तो अब जैसी बन रही ये बनती रहे आती है तो उनकी आवाज़ आती रहे लेकिन तो ये बड़ा ही खूबसूरत मुझे लग रहा था दुपट्टा इसके ऊपर जो है ना मैं सोच रही हूँ कि ये इसके किनारों पर जो है कोई या तो लेस लगवा लूँगी आजकल वैसे लेस का ट्रेंड है या फिर वैसे ही इसको पलटा लगवा के तो इसको ज़रा खूबसूरत सा बनवा लूँगी बड़ा अच्छा लगेगा ये देख सकते हैं आप हम वैसे किसी और ड्रेस के साथ भी हम मैच कर सके ले सकते हैं दुपट्टों तो की तो कोई बात नहीं होती बड़ा प्यारा सा स्टफ है तो ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है पिंक और ये ब्लैक बड़े प्यारा लगेगा अच्छा उसके अलावा उसके अलावा कौन सा है हाँ अब चलते हैं मेन ड्रेस की तरफ इनको भी मैं ज़रा साइड पे कर दूँ सारे एक जगह ढेरी हो रहे हैं अब फिर मुझे वीडियो के बाद जो है ना वो बनाने पड़ेंगे अच्छा ये एक सूट है ये अम, आ, खाला ने गिफ्ट किया था अम्मी को उसको पैचेस वगैरह लगवाए हैं ये निशात का तो वो भी आप लोग देख सक देख लें इधर ही साथ में कि ये टू पीस आर्टिकल है और इसके साथ जो है ना ये पैचेस वगैरह लगने थे तो वो लगवाए हैं तो वो बाज़ार से ना आया था तो वो भी इन्हीं शॉपरों के में पड़ा हुआ है तो वो भी आप लोग जो है ना वो देख लें ये एक इधर दामन पे एक इधर लगा हुआ है और एक इधर है तो बड़ा प्यारा सा इसके साथ जो है ना ये इसी कलर की ट्राउज़र है इस कलर का बड़ा प्यारा है सिंपल सा दुपट्टा तो हम इसके साथ जो है ना कोई मैच कर लेंगे ये ये भी जो है ना ये खुद लग लगवाया ये भी गले का भी पैच था नेकलाइन जो है ना ये अम्मी ने अपनी मर्जी से अपना जो है ना वो स्टिच किया और इसके बाद जो है ना ये बाज़ू है ना बाज़ू के भी आ, ये भी खुद मीनस के पैच लगवाया ये सारे इस पर ज़्यादा जो है ना आ, इसको खूबसूरत बनाने के लिए पैचेस का इस्तेमाल है तो ये भी जो है ना अब लग बन चुका है इसको भी सेट वगैरह करके तो जो है ना वो हैंग कर लेंगे अब चलते हैं हम मेन ड्रेस की तरफ जो कि मैं आपको कह रही थी कि मैं बाद में दिखाऊंगी ये है वो नीन ड्रेस जो कि मैंने खाडी से लिया और मुझे इसी बात पे कल गुस्सा आ रहा था और मैं उनको बोल कर भी आई थी कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ हम आपसे इतनी महंगी चीज़ परचेज़ करें और फिर आप उसके बाद जो है ना कहें कि हम आप अपनी शॉपिंग बैग ख़रीदना है या नहीं भाई तो ये क्या तरीका हुआ तो अच्छा ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ ये बेसिकली ड्रेस हमने लिया है ईद भेजनी है भाभी को तो ये उनके लिए ख़रीदा है बड़ा प्यारा सा सूट है सेवन थाउजेंड समथिंग आई मीन सिक्स थाउजेंड और सेवन थाउजेंड तक बन जाता है ना ये देखें और इसके बाद भी हमें वो जो है कह रहे थे कि आपने क्या हम आपको शॉपर दें या नहीं दें <laughs> आये हाय ये निकल गया मेरा ये देखिए इसका ये दुपट्टा बड़ा प्यारा है अब मैं पूरा खोलूं क्या इसको ये देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत है बिल्कुल दुल्हनों के पहनने वाला माशाल्लाह अल्लाह उनके भी नसीब में करे और ये लास्ट पर जो है ना ये ऐसे है कुछ मैं फुल नहीं ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से जो है ना वापस तय लगानी पड़ेगी मैंने ऑलरेडी सारे कपड़े खोल रही हैं और ये जो है इसकी शर्ट है ये ये पैच है बस गले का लाइन का पैच दिया उन्होंने ये ये सीधा ही उल्टा हाँ ये सीधा तो ये जो है ना हम लगवा वो खुद ही मीनस के लगवा लेंगे एक स्टिच ड्रेस लेंगे और ये अनस्टिच अपने साइज़ का क्योंकि उनका साइज़ नहीं है हमारे पास अब जब जाएंगे ईद देने तो साथ में साइज़ भी ले आएंगे क्योंकि हमने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने बस बता दिया मीडियम साइज़ है तो बस मीडियम से इस तरह वो दर्जी को तो नहीं पता चलता ना कि मीडियम साइज़ क्या स्टिच करना है ये है जी ये ना कैमरे में ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा लेकिन ये इसके ऊपर जो है ना फैब्रिक के अंदर कुछ धागे का ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं ब्रोशा है ये क्या ये आ, पूरे ये उल्टी साइड दिखा रही हूँ उल्टी साइड से सा पता चल जाएगा और ये बड़ा प्यारा सा इस तरह काम हुआ है ये बैक है और ये फ्रंट है फ्रंट पे जो है ना वो ज़्यादा काम हुआ है ये देख सकते हैं ये मैं आपको जो है ना इसकी फोटोज दिखा देती हूँ जिसमें जो है ना क्योंकि ये मुझे फिर से बाकी पूरा जो है ना वो खोल के तय करना पड़ेगा मैं आपको इसकी दिखाती हूँ पिक्चर जहाँ पर वो गुड़िया रानी ने पहना हुआ है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये देखें ये ऐसे आएगा ये बड़ा प्यारा है ये देख रहे ऐसे नेक लाइन लगेगी ये वाली जो है सूट के ऊपर और फिर ये अम, ऐसे डोट्स डोट्स जो है ना बीड्स लगवा लेंगी वो और ये नीचे भी दुपट्टे तो पे भी वो मर्जी चाहे वो जैसा भी आप स्टिच करवा लें लेकिन बड़ा खूबसूरत है और ये जो है साथ में इसके सिंपल ट्राउज़र है ट्राउज़र पे कुछ भी नहीं है तो ये है जी हमारी मेरी आज की शॉपिंग उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे दीजिए इजाज़त अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़